हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेकनर्स अगेन। और आज का वीडियो एक बहुत ही मतलब ऐसा वीडियो है जो एक तरीके का बेस मेरा भी है और आप अपनी ट्रेडिंग का बेस भी उसको बना सकते हो। आपने देखा होगा कि मैं टेलीग्राम पे ना मोस्टली एवरीडे मैं अपना एक व्यू पोस्ट करता हूँ। व्यू मतलब सिर्फ व्यू नहीं डालता, मैं उसके साथ ट्रेड्स भी साथ के साथ वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो व्यू में हमेशा आपने देखा होगा साइडवेज टू बुलिश, आज का मेरा व्यू बुलिश है और बेरिश है, ऐसा हमेशा आपने देखा होगा। तो वो कैसे क्रिएट करता हूँ, ऑफकोर्स सी बात है वो 9 बजे तो शुरू होते ही मैं ट्रेड में डाल ही देता हूँ या कि उसी टाइम पे बनाता हूँ। ऑफकोर्स सी बात है पिछले दिन का कुछ ना कुछ डेटा हमें लेना पड़ता है और कुछ ना कुछ उससे सीखना पड़ता है एंड देन प्लान बनाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, मैं कैसे उस चीज़ को क्रिएट करता हूँ। देखो, अगर आप किसी पे रिलाई करते हो टेलीग्राम पे, किसी के मैसेज पे कि हाँ मैसेज आएगा तब आपको व्यू पता चलेगा, मेक योर्स, मतलब आप उस वैसा व्यू खुद बना सको, मेरा वो पर्पज है। तो मैं आज जितना क्लीन या सिंपली समझाने का हो पाएगा मैं उतना समझाने का ट्राई करूंगा। और उसके बाद पोजीशन साइजिंग भी बहुत मैटर करती है, इवन इन माय ट्रेडिंग एंड सबकी ट्रेडिंग में, हर जगह ये चलता है। तो वो चीज़ भी बहुत बारीक चीज़ है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना, मैं थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ तो टाइम लग सकता है, तो आप उसमें टाइम निकाल के उसको बराबर से देखो और ये डेली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बेस क्रिएट हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग प्लान का बेस। और जो लोग भी मतलब इंट्राडे में इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत बेटर है, उनको मतलब हमेशा एक व्यू रहेगा उनके पास, वो उसके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं एक बेस बना के। तो हमेशा आप देखोगे मैं इंट्राडे के लिए थीटा गेनर्स का जो टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सर्च इन योर टेलीग्राम, आपको लगभग 1 लाख मेंबर का एक चैनल मिलेगा, वहाँ पे मैं डेली अपना एक ट्रेडिंग का व्यू डालता हूँ। यू कैन सी हियर कि रोज एक ट्रेड होती है, उसके व्यू के हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, बट पोजीशन साइजिंग डिफरेंट 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 होती है ऑल द डेज। तो यहाँ पे आप फॉलो करोगे तो आपको यहाँ पे इंट्राडे की ट्रेड्स मिलेंगी, कब उसको होल्ड करना है कब नहीं करना है वो मिलेगा और कब निकल जाना है वो मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे मिलती रहेंगी आपको, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। और जो लोग अभी बहुत न्यू है, उन्होंने पहली बार अभी ये वीडियो देख रहे हैं और वो थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी जाके कर सकते हो, आपको ऑप्शन से लिंक की लर्निंग वीडियोज मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये रहा, देखो ये ना बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं ये वीडियो 7 तारीख को बना रहा हूँ, 7 तारीख को शाम, मतलब मंडे को, आज मंडे है, इसके शाम को बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगा, फ्राइडे को 5 या 6 PM के आसपास। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, डे पे ध्यान मत देना, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें है। और थोड़ा तेज बोलूंगा तो अगर कभी ऐसा हो तो स्लोली वीडियो को देख सकते हो। देखो मेरा वीडियो फास्ट करके देख के कोई फायदा नहीं, मेरे वीडियो को आप स्लो कर दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, तो मैं हमेशा अगर आज के दिन के लिए कोई प्लान बनाना चाहता हूँ ना, तो आपको पिछला विनर देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है अपना T20, तो T20 वर्ल्ड कप में अगर जो पिछली विनिंग टीम होती है ना, उसको हमेशा डिफेंडिंग चैंपियन बोला जाता है। मतलब उसका किसी के साथ भी मैच हो, उसका हमेशा ये बोला जाएगा कि आज डिफेंडिंग चैंपियंस का मैच इनके साथ है, आज काफी टफ मैच होगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्बाब्वे को जीतने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोला जाता है, हमेशा डिफेंडिंग चैंपियन को पावरफुल क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि उन्होंने पिछली बार सारी टीमों को हरा के जीता था, करेक्ट। तो वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अपनाने का ट्राई करता हूँ कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स ही है ना, तो 2 टीमें ही है ना, तो पिछले दिन या उसके पिछले दिन बायर्स ने ऐसा क्या किया था, क्या उखाड़ा था बायर्स ने कि उनके पास अभी अपर हैंड है। तो जिसका भी अपर हैंड होता है मैं उसका एक व्यू लेके चलता हूँ, और जो आज मार्केट ने किया विद इन दैट स्टार्टिंग के 1 आवर मैं उसका व्यू लेके चलता हूँ। इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो भी प्राइस एक्शन बोलता है वो मैं ट्रेड करता रहता हूँ विद माय पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क, ठीक है। मैं अभी रिस्क वाला पार्ट आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, अभी यहाँ पे चलते हैं। ओके, तो मैं अपने अभी पिछले 3 दिन के व्यू बताता हूँ, 7 तारीख, 6 तारीख और 5 तारीख, ये व्यू कैसे क्रिएट हुए और क्या रहा। चलो पिछले 2 दिन का बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो चार्ट में आप 1 डे का चार्ट ओपन करो, ये बैंक निफ्टी का देखो 1 डे का चार्ट है। इसमें पिछले 2 दिन अगर आप देखोगे, मतलब आप इमेजिन करो कि हमें आज ट्रेड करना था 7th को, ठीक है, तो पिछले 2 दिन का आप चार्ट देखोगे तो उनमें से ना एक दिन आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 3rd नवंबर। 3rd नवंबर को मार्केट में एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल थी, काफी अच्छी बुलिश कैंडल थी, मार्केट जहां पे ओपन हुई थी उसके बाद ऊपर की तरफ ही उसने क्लोज किया था, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश, यहाँ पे बायर्स जीते, डिफेंडिंग चैंपियन कौन है, बायर्स। तो अगर मैं इसके नेक्स्ट डे ट्रेड करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मैं इसमें जूम इन करूंगा, मैं इसको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। आप भूल जाओ कि ये 7 तारीख को कुछ हुआ था, या फिर इस ये लो
तीन के बाद चार तारीख में कुछ हुआ था, यू डोंट नो, ठीक है, ये आपके पास सिर्फ इतना चार्ट है। एक चीज मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, पिछले के दिनों में आप यहाँ पे देखोगे कि ये पिछले कई दिनों से आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो नया दिन है ये तो अभी आया नहीं है, तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 6 दिनों में या पिछले 6 बार से मार्केट इस जगह से गिरी है। तो ये सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एरिया एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट काफी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रही है, पर इसको 6 बार टच किया है मार्केट ने, अपर लेवल के रेजिस्टेंस को 6 बार टच किया, मतलब किसी ने तो नीचे से पुश दिया होगा ना, मतलब नीचे से बायर्स ने पुश दिया होगा। देखो यहाँ पे मार्केट आई फिर ऊपर टच की, यहाँ पे नीचे खुलते ही मार्केट सीधे ऊपर टच की, मतलब बायर्स हैं। तो अब बायर्स बार बार इसको पुश करके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वीक हो रहा है वो रेजिस्टेंस। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ और हम 3 नवंबर को देखते हैं। आपको हमेशा दो चीजें मैनेज करनी है, विनर कौन था पिछले दिन का, डिफेंडिंग चैंपियन कौन है, और वो एरिया जहां पे स्मार्ट मनी आपके साथ गेम खेल सकती है। स्मार्ट मनी आपके साथ गेम कहां पे खेल सकती है, ओनली इन चॉपी एरिया। अगर वन वे में ऊपर को जा रही है तो हमारा बेवकूफ नहीं है कि हम पुट सेल नहीं कर सकते या फिर कॉल बाय नहीं कर सकते, सीधे ऊपर जाएगी तो हमें भी पैसे मिलेंगे ना, सिर्फ उन्हें नहीं मिलेंगे। बट वो कौन सा एरिया जहां पे हम पैसे नहीं कमाते हैं, वो एरिया है चॉपी एरिया जहां पे मार्केट ऐसे ऐसे घूमती है। तो आपको हर दिन के ये 2 एरिया फाइंड करने हैं कि हु वाज द विनर एंड चॉपी एरिया कहां से कहां तक था, ठीक है। तो ये वाला दिन हमने उठाया, ये देखो ये वन वे विनर है, ये बुल्स विन है, तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ पे बुलिश व्यू है मेरा पिछले दिन का, ठीक है। उसके बाद इस जगह से लेके पूरा 11 बजे के बाद मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया, और ये जो बेस जिससे ब्रेकआउट किया दोबारा मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट टिका रहा काफी देर तक। तो चॉपी एरिया कहाँ हो गया, ये देखो 41600 से लेके ये यहाँ पे 41400 का एरिया क्या कहलाएगा, चॉपी एरिया। मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने हमें बेवकूफ बनाया बेसिकली, ठीक है। टॉप तक लेके गए, ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर नीचे गया, तो हमें बेवकूफ बनाया, तो एक बेवकूफी वाला पार्ट हमें मिल गया और हमें ये तो मिल ही गया कि बुलिश है क्योंकि ऊपर क्लोज हुई थी। अब नेक्स्ट डे का पार्ट बताओ, नेक्स्ट डे का मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर मार्केट 41400 के ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो मैं इन दोनों एरिया में ट्रेड नहीं डालूंगा। जब तक मार्केट इसके बिटवीन है ना, मैं ट्रेड नहीं डालूंगा, क्योंकि ये चॉपी एरिया है, मुझे इससे बचना है। मार्केट अगर इसके ऊपर गई तो क्या होगा, आज का जो मतलब आज जैसे ओपन हुई, मतलब यहाँ पे ओपन होगी, अगर मार्केट यहाँ ओपन हुई है तो ये बुलिश तो मेरा व्यू था ही, ये चॉपी एरिया के भी मार्केट बाहर चली गई, तो 2 बुलिश मिल जाएंगे, तो मेरा सिंपल ट्रेड क्या होगा, ओनली पुट सेल। मैं कुछ भी वहां पे मैटर नहीं करता मेरे लिए, मैं सिर्फ पुट सेल करूंगा, क्योंकि पिछला भी विनर था, चॉपी एरिया के बाहर भी निकला है तो विनर है, एंड आई एम सिंपली सेलिंग पुट्स। तो ये हो गया कि अगर इसके ऊपर गया और क्लोज किया 10-15 मिनट में, तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट्स बेचूंगा। अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। बट अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है कि अगर अगले दिन मार्केट 9:15 से 9:45 के बीच में ये जो 3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर मार्केट पिछले दिन टिका रहा, इन 3 पॉइंट के नीचे आ गई है मार्केट अगर, तो अब ये मार्केट क्या कहलाएगी, मेन पार्ट यहाँ पे रिलाई करता है। तो अब आप देखोगे कि जो नया डे है, जो न्यू डे है, उसका जो प्राइस एक्शन है वो क्या है, बेरिश, ठीक है। पिछला दिन का प्राइस एक्शन इस पॉइंट के नीचे कैसा था, बुलिश, ठीक है। तो बुलिश और बेरिश के कंजेशन ने क्या क्रिएट किया, साइडवेज। और आज का जो डे है वो कैसा चल रहा है, बेरिश। तो मार्केट मेरी कैसी हो गई अगर मुझे ट्रेड डालनी है साइडवेज टू बेरिश, तो चलो हम देखते हैं। मैं बिना तुक की बात नहीं करूंगा, लॉजिक हमेशा होना चाहिए। 3 तारीख है, 4 तारीख को देखो मार्केट ने क्या किया, 4 तारीख को मार्केट ओपन हुई, मार्केट ऊपर क्लोज नहीं दे पाई, तो ओनली बुलिश वाला पार्ट तो खत्म। मार्केट नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, और इस जगह पे इस कैंडल पे उसने ये एरिया ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, साइडवेज टू बुलिश। अब सिंपली आप देखना कि मैंने 4 तारीख को क्या शेयर किया था, ये अपना टेलीग्राम है, आप देखोगे 4 तारीख, ये देखो 4 नवंबर, ये देखो मार्केट व्यू फॉर टुडे साइडवेज टू बेरिश। मैंने सेम चीज आपको यहां पे शेयर की कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश है, और टाइमिंग देख लो 10:10 मतलब 10:10 पे, और मैंने यहां पे शेयर किया आपको 10:12, 2 मिनट के बाद मैंने यहां पे लिख दिया था कि मार्केट साइडवेज टू बेरिश है। तो आई होप ये चीज क्रॉस चेक हो गई कि हाँ ये ऐसे ही काम करता है, मैं जो बता रहा हूँ वो बनावटी बातें हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डे देखो मैं साइडवेज टू बेरिश रहा, साइडवेज टू बेरिश रहा, साइडवेज टू बेरिश रहा, एंड टिल देन
आपको इस दिन की मैं पोजीशन भी दिखाऊंगा, अगर आपको याद हो तो जाके आप चेक भी कर सकते हो टेलीग्राम पे कि मैंने एक स्ट्रैडल बनाया था जो कि क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है मेरा साइडवेज मूव को काउंटर करना, और मैंने कॉल सेल किए थे ऊपर से, वो क्या बताता है, बेरिश पार्ट। ठीक है, देखो मैंने व्यू के हिसाब से अपनी ट्रेड क्रिएट कर दी साइडवेज टू बेरिश, दैट्स इट। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट डे, अब हम फिर से ध्यान लगाएं तो यहां पे ये मार्केट बार बार रुक रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है मार्केट ने ये कैंडल कैसी बनाई। अब चार तारीख की कैंडल देखते हैं, चार तारीख की कैंडल मार्केट ने कैसी बनाई। मैं डेली में अगर जाऊं, ये रहा मंडे का चार्ट, करेक्ट, ये देखो पिछले दिन चार तारीख की कैंडल आप देखोगे, ये देखो मार्केट ने कैंडल कैसी बनाई, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज, सेंटर पे क्लोज है एकदम, ऊपर से सेलिंग भी आई और नीचे से बाइंग भी आई, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों इन्वॉल्व थे, दोनों इन्वॉल्व थे उस जगह पे। तो मेरे पास यहां पे विनर कौन है, बुलिश पार्ट, यहां पे बेरिश टू साइडवेज विनर था, तो साइडवेज बेरिश विनर। अब नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने ये जो तीन हाई है लगातार इसके ऊपर चली गई मार्केट, तो क्या हो जाएगा, पिछले तीन दिनों में बुलिश साइडवेज विनर और ये फिर बुलिश, तो बुलिश बुलिश मिलके एक बुलिश व्यू बनाएंगे। तो सात तारीख को मेरा व्यू कैसा था, अब मैं यहाँ पे चीजें आपको पांच मिनट के चार्ट में क्रिएट करके बताता हूँ कहां से कहां तक। तो आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, व्यू और कंजेशन। तो साइडवेज टू ये रहा, साइडवेज टू बेरिश फॉर्म था ना यहाँ पे, ये देखो ये रहा कंजेशन एरिया जहां पे लोगों को बेवकूफ बनाया होगा चार तारीख को, ठीक है, ये रहा बेरिश पार्ट, इसी का अपोजिट जैसा चार्ट लग रहा है ना, बट मार्केट ने एट द एंड क्लोजिंग कहां दी, फिर से इसी एरिया में। तो अब कौन एक्टिव हो गया वापस से, फिर से हम एक्टिव हो गए कहां पे, कि बुलिश एंड साइडवेज वाला नोट चालू, साइडवेज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बुलिश तो ठीक है क्योंकि मार्केट ऊपर क्लोज हुई है इस कैंडल से काफी ऊपर, यहां पे क्लोजिंग है इस दिन चार तारीख एंडिंग की, बट यहां पे साइडवेज क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस यहां मेरे सिर पे बैठा हुआ है ये अभी भी है, इसको क्रॉस नहीं किया हमने, तो मार्केट अब कैसी हो जाएगी यहां पे, साइडवेज टू बुलिश, करेक्ट। तो ये चीज नेक्स्ट डे के लिए मैं प्लान करूंगा, बट मार्केट ने क्या किया, देखो यहां पे मार्केट ने सात तारीख को सीधे गैप अप ओपनिंग दे दी, बस यहां पे थोड़ा शांति से, मैं भी बिल्कुल शांति से बोलूंगा इस जगह पे, मार्केट ने एक बड़ा गैप अप दे दिया है, मतलब जो रेजिस्टेंस था उसको बड़े गैप अप से क्रॉस किया है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। देखो जब भी आपको दिखेगा ना कि मार्केट 9-10 बार किसी रेजिस्टेंस को टच कर चुकी है या किसी सपोर्ट को टच कर चुकी है, आपको वो आपकी आंखों के सामने क्रॉस नहीं करेगा, ओके, क्योंकि आप सब लोग एंट्री ले लोगे ना, सब लोग कमा लोगे, और अगर सब लोग कमाने लगते तो स्टॉक मार्केट में मतलब लोग बिजनेस ही क्यों करते, दूसरे बिजनेस क्यों करते, जॉब क्यों करते, तो सब लोग नहीं कमा सकते ना, तो आपको वो ऑब्वियस वाला पार्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको इतना पता है कि बुलिश है पर एंट्री कहां लेनी, वो उन्होंने बिगाड़ दिया, ओके, उन्होंने सीधा गैप अप करके ओपन किया। अब देखो मैं एक चीज कंफर्म है मुझे इसमें कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के जब तक ऊपर है आई एम बुलिश क्लियरली। तो मार्केट ओपन हुई है, आपने देखा होगा मेरा व्यू सिंपली क्या है, सात तारीख ये रहा, ये देखो साइडवेज टू बुलिश, सिंपल। मैंने 10:02 पे आपको बोला कि मेरा व्यू आज साइडवेज टू बुलिश है, इवन मार्केट नीचे आ रही थी। तो क्या हुआ, अब यहां पे मैं बताता हूं, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब आपको पता होगा कि मैं मोस्टली ना जैसे 1 CR का मान लो मैं कैपिटल से कर रहा हूं, तो मेरा 1% मेरा एसएल होता है, मतलब 1 lakh, और मोस्टली मैं क्या पोजीशन साइजिंग ट्रेड करता हूं, दैट इज बेसिकली 1200। तो 1200 क्वांटिटी में मोस्टली ट्रेड करता हूं इस अकाउंट में, ठीक है, तो 1200 मेरी कॉमन क्वांटिटी मतलब फॉर द होल कैपिटल, मैं 1200 के ऊपर ज्यादा नहीं जाता अगर एक्सपायरी नहीं है, ठीक है, तो 1200 में ट्रेड करता हूं जो कि मेरी प्रॉपर क्वांटिटी है। बट अगर मार्केट ने इसको ऐसे करके क्रॉस नहीं किया, डायरेक्ट गैप अप क्रॉस किया है, बट इवन आई एम बुलिश तब भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा अपनी क्वांटिटी को डिवाइड बाय 3 कर देता हूं, मतलब 1200 डिवाइड बाय 3, 1 lakh डिवाइड बाय 3, मतलब मैं उसको तीन पार्टीशन में एंटर करता हूं, मतलब 30,000, 30,000, 30,000, तो मैंने अगर डिवाइड बाय 3 किया तो मुझे 400 क्वांटिटी मिलेगी। तो मैंने वैसे भी मैं 9:15 या 9:20 पे एंटर नहीं करता, मोस्टली 9:30 के बाद, तो इस एरिया में कहीं मैंने अपनी 400 क्वांटिटी एंटर कर ली, ठीक है, सपोर्ट का है मेरे लिए अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है सपोर्ट, ठीक है। मार्केट थोड़ा और नीचे आई, मैंने यहाँ पे और 400 ऐड की, ठीक है, बट अब देखो ये क्वांटिटी कितनी हो गई है, 800। अब आज के दिन देखो 7 तारीख है, ये वीडियो आपको लेट मिलेगा, बट आज के दिन अगर देखना आप ये नोटिस करना,
जो पुट के प्राइसेस थे ना बिगनिंग में वो ऐसे बढ़ रहे थे कछुए की चाल एकदम धीरे धीरे धीरे, जब ये कैंडल्स आए ना लगातार 3 या 4 मार्केट में पुट के प्राइसेस बिल्कुल स्पाइक कर गए तेजी से, तो वो जो एसएल था ना वो फटाक से 60,000 हिट कर गया फटाफट, मतलब मिनट्स भी नहीं लगे, तो मुझे ही अपनी ट्रेड यहाँ पे काटनी पड़ी सिंपल, क्योंकि वो दो ले गया था बिल्कुल सीधे सीधे दो ट्रेड चली गई थी और अब ये यहाँ पे एंटर कर गया था साइडवेज एरिया में, मतलब जो फुली बुलिश एरिया था यहाँ से होना चाहिए था वो अब वो साइडवेज एरिया में वापस एंटर कर गया था, तो अब अगर ये साइडवेज में एंटर कर गया वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया है सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो अब मेरे पास ओनली बुलिश होने का हक चला गया है, तो मैंने वो ट्रेड काटी, अब मैंने शांति ली थोड़ी सी क्योंकि 60,000 जा चुके हैं, अब मेरे पास ना 40,000 होने को है और कमाने के लिए मुझे 60,000 पहले कमाने पड़ेंगे टू बी ब्रेक इवन। तो मैंने मैसेज किया कि मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस से मिले मुझे ट्रेड करने के लिए और मैं फिर ट्रेड लूंगा। अब आप आगे देखोगे नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे ना ये जो दो बड़ी बड़ी कैंडल बनाई देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है इस जगह पे, ठीक है, ये बड़ी कैंडल देखो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, देखो यहाँ पे एक विक है यहाँ पे एक विक है, मतलब ये जो एक एरिया दिख रहा है थोड़ा सा ये एरिया यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव है बायर्स से, तो मतलब हमें अगर वापस से पुट सेल करना है या बुलिशनेस में जाना है तो हमें इन सेलर्स को हराना होगा, डिफेंडिंग चैंपियन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो डिफेंडिंग चैंपियन तो बुल्स है ना, तो अब देखो मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा कवरअप किया यहाँ पे आया। अब ध्यान से सुनना, इमेजिन करो कि ये ट्रेड आपकी है, यहाँ पे आपने ना कॉल सेल किया है, जैसे ही मार्केट नीचे आएगी ना वाओ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मार्केट जैसे यहां तक आई है आपको लगेगा अरे कोई नहीं अब यहां से ना ऐसे जाएगी, आपने दो चार दोस्तों को भी बता दो कि मैंने ये ट्रेड ली है यहां से ऐसे जाएगी, ठीक है, उसके बाद जैसे मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई ना आपका गला सूखने लगेगा आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहां आ चुकी है अब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है या तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यू आर इन कॉस्ट टू कॉस्ट, मार्केट 3 बार यहां पे ऐसे बनाई, अभी भी आप होप में हो कि यहां से नीचे चले जाएगी क्योंकि सेलर्स हावी है और ऊपर से हावी है पूरे दिन से, तो आपको अभी भी उम्मीद है, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाई ना ग्रीन वाली आप हार गए, मतलब जो सेलर था ना वो अब उसका एसएल हिट हुआ है और वो हारा है, अब ये सेलर था तो इसको बायर बनना पड़ेगा अपना एसएल हिट कराने के लिए, और यहाँ पे बायर बनते ही आप देखोगे तो सीधे कैंडल ऊपर चले जाएंगे, अब फिर से मेरी ट्रेड एक्टिव हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे वापस से मैंने पुट सेल किया और आपको पता है मैंने पुट सेल कौन सा किया 42,500 का पी, मैंने एट द एंड शेयर किया था कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी 8100 है, ओके अब ये बड़ा अकाउंट है 8100 क्वांटिटी मैंने एक बार में डाल दी होगी यहाँ पे इस जगह पे एक ही बार में, नो नॉट एट ऑल, मैंने 900 900 900 करके पहले मैंने 2700 क्वांटिटी डाली, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे कंजेशन किया मार्केट ने, मार्केट फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, मैंने और 900 900 ऐसे ऐड की, ऐड करते करते मार्केट ने मुझे यहाँ तक में ऑलमोस्ट 4-5-6 लाख का वो दे दिया प्रॉफिट, इस वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अब मेरे पास ना एक अच्छा प्रॉफिट है, अब मैं व्यू देखता हूँ, अब मेरा कल का व्यू क्या होगा, जैसे मुझे 7 की जगह 8 तारीख देखना है, 8 तारीख ऑफकोर्स छुट्टी है बट 9 तारीख को मान लो मुझे व्यू देखना है, तो अब मैं वापस से कहाँ जाऊँगा, पहले मुझे यहाँ पे कंजेशन कर लेना, तो ये रहा कंजेशन एरिया, अब बाकी तो वन डे में बी शेप है तो चॉपी एरिया इसमें ज्यादा है नहीं, तो अब मैं वन डे में वापस से जाता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पे वो एरिया है जहां से मार्केट 2 हफ्तों से क्रॉस नहीं कर पा रहा था इसके ऊपर, और मार्केट ने नीचे से बार बार बाइंग भी थी, कभी गैप अप हो रहा है कभी बाइंग हो रही है, तो आज मार्केट ने क्या किया सीधा उसके ऊपर गैप अप खोल दिया, ठीक है, मेन काम यहाँ पे होता है जब कोई कैंडल ना बहुत नीचे तक गई हो और उसके बाद उसमें बाइंग आई हो एंड में, तो वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम मोस्टली रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, अगर ये कैंडल यहाँ गलती से ऐसे नीचे आते हुए ट्रेंड में यहाँ पे बने तो लोग उसको रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं, तो ऐसे में अगर ये कैंडल टॉप पे आई है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ ओपन हुई बीच में सेलिंग आई उसके बाद एट द एंड फिर से बुल्स जीत गए, तो डिफेंडिंग चैंपियन अब बुल्स है, ऊपर से 2 हफ्तों का जो रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेक हो गया है, तो इसका मतलब है बुल्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे मुझे सिंपली पुट सेल करने की पोजिशन लेनी है, तो अब मेरी अगली पोजिशन क्या है यहाँ पे यू ऑल कैन सी, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे देख सकते हो, चैनल पे मैंने यहाँ पे शेयर किया, मेरे पास ये सेम 42,500 का इन द मनी पी है जो मैंने 800 रुपीज पे सेल किया था, और उसको मैंने सेल करने के बाद यहाँ पे देखो उसको मैंने सेल करने के बाद, अब देखो पी है इतना इन द मनी है, मतलब मैं इतना पागल तो बिल्कुल नहीं हूँ कि इन द मनी के पी को 8100 क्वांटिटी में होल्ड करके जाऊँगा नेकेड, करेक्ट, तो अब मेरे पास उसमें एक ठीक प्रॉफिट है, अब वो उस ठीक प्रॉफिट की वजह से मैं अब चाहता हूँ उसको मैं हेज भी कर दूँ, तो मैंने स्लाइटली इन द मनी से, मतलब स्लाइटली इन द मनी यू कैन से कि
क्या बोलेंगे, स्लाइटली इन द मनी, मतलब मैंने 41,800 से उसको क्या कर दिया, हेज भी कर दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे भी ये चीज शेयर की है, ये देखो इन द मनी से मैंने हेज कर दिया और मेरे पास 8100 क्वांटिटी है, मतलब मैं फुली बुलिश हूँ पर मुझे लॉस भी नहीं देना है। तो मैंने अपने जो कैपिटल है उसके 1% को रिस्क किया है इसको हेज करने में। मुझे हेज करने के बाद इसमें अगर मार्केट ड्रास्टिकली नीचे आई तो मैं थर्सडे के दिन 10 लाख रुपए खो दूंगा, बट अगर मैं सही हूँ, ये वीकली जो ब्रेकआउट हुआ है ये सही है और ये ऊपर गया, तो आई विल अर्न 45 लाख रुपीज, दैट इज ऑलमोस्ट 4%। तो मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था, मेरा व्यू बुलिश एंड बुलिश मिक्स हो गया था वॉल्यूम के साथ, ऊपर की तरफ बायर्स ने मार्केट को क्लोज किया, तो इसका मतलब डिफेंडिंग चैंपियन भी बायर्स है और कोई भी चॉपिनेस एरिया अभी इस वक्त नहीं है, क्योंकि पिछले 2 वीक पूरे के पूरे चॉपी थे। तो मैंने उस बेसिस पे ट्रेड ली है और मैं इस वक्त फुली बुलिश चल रहा हूँ, तो अब उसी हिसाब से मैंने ट्रेड डाली और ये ट्रेड, मतलब आई होप, कुछ भी कंफर्म नहीं होता मार्केट में, बट आई होप कि ये मुझे बेटर रिजल्ट्स देगी और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। और ये अभी तक तो देख के यही लग रहा है क्योंकि इस एरिया से बायर्स वापस आए, तो मतलब 41,500 तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर क्लोज हो गई है और दिस वॉज इट, मतलब मैंने अपना सब कुछ बेस एक्सप्लेन कर दिया मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मतलब आपको लग रहा होगा कि मैंने नहीं बताया, बट सच बताऊँ यही है, मतलब दिस इज इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पोजिशन साइजिंग मैंने बता दी आपको, बस इतना याद रखना है पिछले दिन कौन जीता था, चौपी एरिया कौन सा था, चौपी एरिया के बाहर ही ट्रेड करना है आपको। पोजिशन साइजिंग को 1/3 कर लो, 3 में डिवाइड करो। अब देखो आप बोलोगे कि मैं तो 1 लॉट से करता हूँ तो मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता, बट आप मान लो जैसे 3 लॉट से करते हो तो 1-1 करके डालो, ठीक है। नीचे की तरफ एवरेज तब तक ही कर सकते हो जब तक आपका व्यू फुली इंटैक्ट है विद वॉल्यूम। अगर वो व्यू चौपी एरिया के नीचे जा रहा है तो आप साइडवेज टू चेंज कर दो। आपका मेन हेडर कौन होगा, जो आज का प्राइस एक्शन होगा, जैसे पिछले दिन बुलिश एरिया था बट आज का प्राइस एक्शन बेरिश है, तो आप इसको साइडवेज टू बेरिश बोलोगे। आप आज की प्राइस एक्शन को हमेशा इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, क्लियर ओके है, जैसे मैंने इसके पिछले वाले दिन दिया था। अब यहाँ पे कई बार आप कैंसिल हिट होंगे, कई बार आप बहुत अच्छा कमाओगे, बट एट द एंड यू विल बी इन ग्रीन। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आई नीड टू सेल कॉल और पुट। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बस मुझे इतना बताओ कि हाउ मेनी टाइम्स मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, मतलब ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट ओपन होती है, कितनी बार मार्केट बिल्कुल इसी लाइन में यहाँ क्लोज हो जाती है। दिस इज नॉट वेरी, मतलब रोज का नहीं, वरना रोज डोजी कैंडल बनेगी, नहीं बन सकती ना। मार्केट अगर यहाँ ओपन हुई है तो या तो यहाँ क्लोज होती है, या तो यहाँ क्लोज होती है, या तो ऐसे ऐसे करके यहाँ क्लोज होती है, या ऐसे ऐसे घूम के यहाँ क्लोज होती है, मतलब वो अपने बेस पॉइंट के ऊपर ही नीचे क्लोज होती है। तो अगर वो ऊपर क्लोज होती है तो मैं चाहूंगा मेरी ट्रेड में पुट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो और मैं एट द एंड ग्रीन में निकलूं। अगर वो नीचे क्लोज होती है तो मेरा मेन मोटिव यही होगा कि मेरे पास कॉल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो और मैं ज्यादा से ज्यादा थीटा डीके गैदर कर पाऊं। ओके, इस चीज को प्रैक्टिस करो। आप और पिछले दिन जा सकते हो, या फिर मैं सच बताऊं पिछले दिन मत ही जाओ, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। मतलब डे अभी जैसे मैंने बोला बुलिश है, तो आप इस बुलिशनेस को ट्राई करो, जहां पे चौपी एरिया से मार्केट ब्रेक आउट किया है, जहां से बाइंग की है, उस जगह तक बायर साइडवेज टू बाइंग रखो, उसके नीचे जाकर तब आप साइडवेज टू बेरिश जाओ, ठीक है। डोंट चेंज योर व्यू डेली डेली डेली। आपको डिफेंडिंग चैंपियंस को थोड़ी एज देनी पड़ेगी और थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। अगर आपको ये बात लॉजिकल लगी है एंड आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करो एंड शेयर कर सकते हो टू एनीबॉडी हु इज ट्राइंग टू लर्न। ओके, क्योंकि ये लर्निंग वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ वो नहीं बता रहा हूँ, कुछ बहुत रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। एंड इफ यू वांट टू, मतलब मैच करना चाहते हो और कि आपका व्यू आज ये था और मेरा व्यू क्या था, अगर उसको आपको मैच करना है तो आप थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे फॉलो करो। मैं उसमें डेली यहाँ पे इंटरडे ट्रेड डालता हूँ एंड ट्रेड के साथ मैं मोस्टली लाइव ट्रेड डालता हूँ। मतलब मैंने ट्रेड ली तो मैं आधे घंटे में शेयर करता हूँ कि ट्रेड में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने एंड में डाल दिया कि ये प्रॉफिट था ये लॉस था, क्योंकि उसमें कोई तुक नहीं है, ठीक है। आपने कुछ नहीं सीखा उसमें, मैंने डाला मार्केट व्यू ये है और लास्ट में मैंने पीरियड डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो विद इन द पीरियड ऑफ द डे 6 घंटे जैसे कटते हैं, उसमें आपको देखना पड़ता है कब मैंने कहाँ पे चेंजेस किए। मैंने पिछले के पिछले दिन स्ट्रेडल और कॉल सेल ही क्यों किए थे, क्योंकि साइडवेज टू बेरिश प्लान था। तो ये चीजें आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक करो, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और हेल्प करेगी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बस खुश रहो। चलो बाय बाय।